मेरे बर्तन इस तरह से पड़े रहे, पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, पानी नहीं आ रहा है नल में। देखिए ये है मुंबई माया नगरी जहाँ पानी नहीं है। गाड़ी देखो वहाँ पे खड़ी है, तो लोग अभी भी आ रहे हैं थोड़े बहुत करके, अभी मैं जाके लेकर आती हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, डर मत जाना, मैंने स्कार्फ इसलिए कवर किया है क्योंकि मैं नीचे जा रही हूँ वेजिटेबल्स लेने के लिए, और अभी अभी वेजिटेबल्स की गाड़ी आई है। यार मैं 2-3 दिन से कुछ भी नहीं था मेरे घर में, बहुत बुरा हाल हो रखा था। तो मेरे हस्बैंड जी नहीं जा सकते, उनका इतना मीटिंग रहता है ना, मुझे ही जाना पड़ेगा। कोई नहीं है, अब तो मैं जाके लेकर आती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से आगे। अभी वेजिटेबल्स लेके आई लेकिन मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, देखो बंद हो गई। ऐसे फिर चल चल के आई पूरा सामान। आती ने सबसे पहले आंगोड़ घाला था, सबसे पहला काम है करा था आंगोड़ घाला था, ऐसे स्वच्छ हाथ धोया था, सब अच्छे से हाथ भी धो के अभी देखो बास्केट में सारी की सारी वेजिटेबल्स डालूंगी। गाड़ी देखो ना बंद हो गई, क्या नाटक है सच्ची में। ये देखो यहाँ पे बास्केट है, इसमें पूरा डालूंगी अच्छे से सब्जियों को, और इसको धो के पूरा अच्छे से रखूंगी मैं। ऐसे बहुत कुछ लाई, बाप रे 500 रुपीज में, ये मतलब कुछ भी नहीं, इतनी महंगी हो गई ना चीजें कि आप सोच भी नहीं सकते, माय गॉड। चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या लेकर आई हूँ। झोले भर के आज पहली बार गई, मतलब कुछ कर नहीं सकते यार। ये देखो सब लेके आई, अब जैसे भी मिल रहा था ना। ये वेजिटेबल्स है, ये कोरिएंडर लेकर आई, तो यहाँ पे बास्केट है, बास्केट में सब निकाल के रखूँगी और इसको अच्छे से क्लीन भी करूँगी। कांदा बटाटा, ये बड़ी महंगी यार, 500 रुपये में आप मतलब क्या लोगे, ना के बराबर चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन ये लेकर आई, भिंडी लिया मैंने, आधा किलो भिंडी लिया है, प्लास्टिक की थैली ला के तुरंत से बाहर कर देना चाहिए, बाकी की चीजें भी पूरा अंदर डाल देती हूँ। क्या दिन आ गए ना। लहसुन भी नहीं था, लेमन मिर्ची ये सब लिया। ये देखो इतनी सी वेजिटेबल्स ना के बराबर, बट ये पूरी 500 रुपीज़ में। अदरक लिया, आलू लिए हैं, और ये कांदा लिया। मतलब आप सोच सकते हैं, इमेजिन, ये ना के बराबर चीज़ें जो कुछ कर नहीं सकते यार। चलो इसे अभी मैं अच्छे से पहले क्लीन करूँगी। फ्रेंड्स, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे, तो ये है मेरे बर्तन वेसल्स जो नए हैं, हिलुक्स कुकवेयर है। अगर आप परचेज करना चाहते तो आप बता परचेज करेंगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी है इसकी। तो मैंने अपनी सारी यूटेंसिल्स चेंज की है फ्रेंड। इसके अंदर ना आप बेकिंग कर सकते हो, वाटरलेस कुकिंग कर सकते हैं आप, और हर एक चीज़, मतलब आपको ओवन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना मैं केक बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये जो है हिलुक्स कुकवेयर की 24 सेंटर है, वेसल है, और देखिए यहाँ पर मैं दही से केक बना के दिखाऊंगी आपको। तो मैंने यहाँ पे कर्ड लिया है 2 टेबल स्पून, और इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर, और इसे अच्छे से बीट करूँगी मैं। तो मेरे पास ये मतलब चॉपर है, तो मैं इस चॉपर में ही सोचा कि उन्हें मैं केक बनाऊँ। तो यहाँ पे शुगर लिया है, ड्राई पाउडर, और मैदा वगैरह जो भी रहता है आप इसमें ऐड कर दीजिए। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें डालना होता है, तो बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून और बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसे अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। और इसका एक जब अच्छा मतलब पेस्ट बन जाए तब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद में फ्रेंड्स, मैं हिलुक्स कुकवेयर जो आपने देखा, मैंने उसे प्री हीट करने के लिए छोड़ा है, तो मैं उसे अच्छी तरह से प्री हीट करने के बाद ना फ्रेंड, उसके अंदर जितने भी ये मैंने बनाया है इसे ऐड कर दूंगी। तो ये बहुत ही यम्मी सा केक बन के रेडी हुआ था फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत पसंद आता। तो मैंने यहाँ पे एक तो ओरियो वाली बनाई थी और एक ये प्लेन वाली बनाई थी, वनीला केक बनाई थी। एंड फ्रेंड ज़रूर ट्राई करिए घर में। तो यहाँ पर मैं कर्ड में ही ऑयल वगैरह ऐड कर रही हूँ,
तो केक बनाना हर किसी को आता है, तो मैंने सोचा चलो केक बना लेती हूँ। आज का दिन थोड़ा सा बच्चों को बहुत दिन से केक खाने का भी मन था, तो चलिए केक भी बना देती हूँ। सामान वगैरह मैं बाहर से लेकर आई, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा, धूप हो रखी है बाहर, तो इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ मुंबई में कि पूछिए मत। और चलिए फ्रेंड्स, फिर आप केक एंजॉय करिए और मैं आप लोगों को आगे मिलूंगी। फ्रेंड्स, ये है हमारा द पास द ब्रेस्ट चैलेंज। ये वीडियो मैंने एक्चुअली हमने बनाई है, तो ये अलग से वीडियो मैंने पोस्ट की है, आप मुंबई कर बिंदु पे आप ज़रूर चेक करिए। मुझे बहुत मज़ा आया था एक्चुअली ये करने के लिए। बोलते ना कि एनर्जी आ गई थी, बहुत ही बोर हो रहा था क्या करे, तो फ्रेंड्स लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ऐसा कुछ करते हैं ना, मज़ा आएगा। तो मैंने यहाँ पे मतलब ब्रश चैलेंज वाली, बहुत अच्छा लगा मुझे मेकअप एंड ऑल करना। मेरी अपनी जो ये साड़ी रखी थी ना, तो इसे निकाल के वियर किया, काफ़ी एक अच्छा सा रेडी होने के बाद एक मूड बहुत अच्छा स्विंग हो गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे, तो ज़रूर मैं ऑब्वियसली करूँगी। सो बस ये ब्रश पास। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ना मेकअप किया है, ये तो रिक्वेस्टेड वीडियो, इसकी वीडियो मैं बना नहीं पाई हूँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड होगी ना, मैं जरूर बनाऊंगी वीडियो। और कोई आया है, चलो देख लेते हैं कौन आया है। ओ धीरेन भाई आए हैं, ललिता आई है लगता है। हेलो फ्रेंड्स, देख के मुझे डर मत जाना, मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया। और देखो ये मेकअप वाली गाली तो ललिता लग रही है बड़ी सुंदर, तो मैंने रेडी किया है, मैंने मुंबई कर बिंदु ने। आप लोग मेरा ये वाला चैनल सब्सक्राइब करिए भर भर के, और ललिता का चैनल है इंडियन मॉम ललिता, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और बहुत गुड न्यूज मिलने वाला आपको, आपको गुड न्यूज चाहिए ना, तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। आपको मुंबई की हर एक छोटी छोटी डिटेल्स, हर एक गली गुलच्चे भी ले चलेंगे हम लोग आपको। क्या ललिता जी, हाँ है ना, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंडियन मॉम ललिता फैमिली। मुंबई का बिंदु तो ठीक है, वहाँ पे तो मेरा चलो ठीक चल रहा है, लेकिन ये वाला चैनल ना बिंदु शर्मा ब्लॉग, मेहनत करती हूँ, प्लीज 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 आई नीड योर सपोर्ट, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और ललिता आई है, तो हमने बहुत ही अच्छा चैलेंज किया है, तो मेरी स्टोरी टैब पे आपको दिखेगा एक्चुअली, और मजा आ गया एक्चुअली। देखो ललिता रेडी हुई है ना, कैसी लग रही है बताना, क्या कमेंट करके। आपने इयररिंग्स दिखाओ ना, इयररिंग्स देखो कितनी खूबसूरत है यार, बहुत अच्छी लगी। और बिंदु दीदी ने मुझे रेडी किया है, ये देखिए, और मैंने सब बिंदु दीदी का एक्चुअली ढाप लिया है। कोई नहीं कोई नहीं, बहन लोगों का ढाप के सब कुछ पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा मजा आया। तो आज हम लोग बना रहे हैं, आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। ललिता को बोल रही हूँ खा के जाने, ललिता बोल रही नहीं मन नहीं है, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा, वर्क हो जाएगा, काम वाली पाई लगने लगी हूँ मैं, सुबह से बहुत ज्यादा बोरियत हो गई थी। तो फिर बाद में प्यू को हम लेके आए यहाँ पर, तचूर की हम साथ साइड में ही रहते हैं, बट फिर भी बहुत कम मिलते हैं। और इस तरह देखिए, जब भी मिलते हैं आप लोगों को तो जरूर दिखाते हैं कि हम कब कम मिल रहे हैं, वही ना है ना। घर में बैठ के देखो मैं कितनी चब्बी चब्बी हो गई हूँ। तो फिर से वेट लॉस स्टार्ट करूंगी, फिर बताऊंगी आप लोगों को। हाँ यार, वो तो है, वो तो करना पड़ेगा, आगे बाद में हम लोग कर लेंगे। अप डाउन लाइफ होती रहती है, बट क्या कर सकते हैं। आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है लॉकडाउन में जरूर बताना। देखो भाई, मैंने अभी अभी जो ये किया है, क्या बोलते हैं, ब्लीच ब्लीच किया था ओलिविया का, बेस्ट है, अच्छा लग रहा है, स्किन अच्छी एकदम लग रही है।
कैमरे भले ना आए लेकिन सामने से बोले अच्छा लग रहा है। मोबाइल जो जो ओरिजिनलिटी होती ना हम फेस टू फेस सामने देख के बता सकते हैं। मैंने आते ही कहा बहुत अच्छा लग रहा है, फेस क्लीन लग रहा है। और ब्यूटी टिप्स बहुत सारे लोगों दीदी के पास है यार, शी इज मल्टी टैलेंटेड नो डाउट। ललिता की वजह से मल्टी टैलेंटेड, अदरवाइज नो नथिंग, नथिंग आई हैव नथिंग। नहीं नहीं सब अपना टैलेंट। और दीदी दीदी ना पहले से ही मल्टी टैलेंटेड है, वो बोलते ना एक सोनार को एक हाँ बोलिए स्वामी हाँ चाय बनेगा पी पी के लॉकडाउन में चाय पी पी के मेरा खून पी लिया इन लोगों ने। लॉकडाउन में इन्होंने मेरा खून पी लिया। मैं लकी हूँ यार कि मेरा देवर तो जब चाय बनाना रहता तो मेरा देवर बना देते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। सो आई एम सो लकी। चलो ये देख रहा था फिल्मन सच में यार, थैंक यू सो मच, मेरा बहुत 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 हेल्प कर देता है वो तो। अच्छी बात है यार, करना भी चाहिए भाभी लोगों का, इतना तो हेल्प बनता ही ऑब्वियसली। तो आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, ललिता ऑलवेज लकी एंड आई एम मल्टी टैलेंटेड, आई एम ऑल्सो लकी, वी आर बोथ आर लकी एंड वी आर बोथ, वी बोथ आर मल्टी टैलेंटेड। सो अभी अभी एक शूट की है तो इनके चैनल पे आप देख सकते हैं, जरूर देखना लगे रहिए। अभी नहीं दिख रहा है, बाद में कर लीजिए। चलो बाय बाय बोल दो सबको, बाय गुड नाइट, लव यू। देखिए ये है, इसको ना अच्छे से ग्राइंड करके ना इस तरह से छानना होता है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कढ़ाई में। और ये दो अनियन है मेरे पास तो इनका यूज़ करूँगी मैं अभी। ये पकोड़ों को इस तरह से छान लेना होता है और इसके बाद ग्रेवी प्रिपरेशन में, मतलब मैंने यहाँ पे देखिए पानी में डाल के रखा है इसे, तो इसे इसे ग्राइंड करके, क्योंकि टमाटर आज बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी ब्लॉग जरूर कमेंट करके बताइए, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।